हेलो एवरीबॉडी, इस लेसन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो डिजीजेस या इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके कॉजिंग एजेंट्स, कैसे ये डिजीज़ कॉज होते हैं। तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, क्लेमाइडिए, निमाटोड्स, बहुत सारे और भी पैथोजेंस। तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि ये कॉज होता है पैथोजेंस के थ्रू। अगला, अगर हम इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा वो हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेकंड हो सकता है बाय यूजिंग इन्फेक्टेड सीरेंजेस और नीडल्स, थर्ड हम देखते हैं बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम द मदर टू द फीटस। तो ये है इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, जब हम इनके सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में हम सबसे पहले देखते हैं इचिनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज ऑफ सम फ्लूइड, ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ पेन, रेडनेस एट्सेट्रा। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्योर। तो क्योर की अगर बात की जाए तो एक्सेप्ट फॉर HIV, जेनाइटल हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी, बाकी सारे STDs क्योरेबल हैं प्रोवाइडेड उन्हें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए। अगला, अगर उसके प्रिवेंशन की बात की जाए तो सबसे पहला प्रिवेंशन है टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर और विद मल्टीपल पार्टनर्स। सेकंड है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वन शुड टेक प्रॉपर प्रोटेक्शन। थर्ड अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर कभी भी किसी को डाउट होता है कि उनको ये डिजीज़ है तो उन्हें तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर ये डिजीज़ डिटेक्ट होती है तो उसे ट्रीट भी कराना चाहिए। इन डिजीज़ को पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम कन्फर्मेटरी टेस्ट सच एज एलाइजा, DNA हाइब्रिडाइजेशन या PCR एट्सेट्रा। लास्ट, अगर हम इनके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो हैं गोनोरिया, हर्पीस, HIV, सिफिलीज, क्लेमाइडियासिस, कैंडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स एट्सेट्रा। तो ये सारे इनके कॉमन एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस लेसन में हमने जाना कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज़।